आज हमारे पास है न्यू हीरो एक्सट्रीम 164V और ये E20 रेडी है। और भाई ये न्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, कम्प्लीटली नई मोटरसाइकिल है। मतलब जो अभी 2V आती थी ना उससे तो भाई कम्प्लीटली अलग हो चुकी है। और हाँ, इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो चुकी है, अभी लगभग 1.7 PS की पावर भी बढ़ चुकी है। तो पावर बढ़ने की वजह से परफॉर्मेंस में क्या क्या डिफरेंस आता है तो मैं राइड करते टाइम आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ से इसकी राइड स्टार्ट करते हैं। ये लगा दी चाबी, ये हो गया वाइजर डाउन। राइडिंग पॉस्चर की बात करें तो भाई राइडिंग पॉस्चर अच्छा है, कमांडिंग पूरा पॉस्चर मिलता है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, मतलब आपकी थाई पूरी यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाती है। हैंडल बार भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, इतने हैं कि भैया आप इसको सिटी में चला लो, स्ट्रीट में चला लो, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो ट्रैक में हमने इसको ऑलरेडी चला लिया है, अब थोड़ा सा इसकी बारी है स्ट्रीट में चलने की। पिकअप में नो डाउट ये बहुत आगे है, अभी इसकी पावर 1.7 PS से इंक्रीज़ हो चुकी है, तो जो इंक्रीमेंट है ना वो आपको डेफिनेटली फील होगा। और देख सकते हो इन्वर्टेड LCD है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे व्यू अच्छे से नहीं आ रहा होगा, मतलब आपको क्लस्टर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और मैं स्पीड को धीरे कर लेता हूँ जिससे विंड नॉइस आपको नहीं फील हो। हाँ, हैंडल बार बहुत अच्छे हैं। ब्रेकिंग की भी यहाँ पे बात करूँ भाई तो ब्रेकिंग भी ज़बरदस्त है, ABS देखने को मिलता है, डुअल डिस्क है। और हाँ, अगर आप वाइब्रेशन का पूछो तो वाइब्रेशन थोड़ा बहुत होता है अगर आप इसका RPM बढ़ाते हो तो। कहाँ होता है? होता है इस वाले हैंडल में, दूसरा होता है थोड़ा बहुत फुटपैक्स में, कोई अनोइंग वाला वाइब्रेशन आपको यहाँ पे फील नहीं होता है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ये स्ट्रीट के लिए फ्रेंडली है, आप चाहो तो इसको सिटी में लेके जाओ, चाहो तो आप इसको कहीं एक वीकेंड राइड पे लेके जाओ। जैसे कि हीरो क्लेम कर रहा है कि भाई ये सेगमेंट में फास्टेस्ट मोटरसाइकिल है, तो डेफिनेटली ये मुझे फास्टेस्ट लगी। इसमें 0-60, 0-100 करना बहुत ईजी है। थोड़ा बहुत ब्रेकिंग यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ, तो शानदार ब्रेकिंग अच्छी भाई, ब्रेकिंग कभी भी मुझे एक्सट्रीम में प्रॉब्लम नहीं लगी। और भाई अभी तो उसमें फीचर्स इतने सारे हैं कि फीचर्स की बात मत करो आप, कनेक्टेड मोटरसाइकिल है। हाँ, हज़ार्ड लाइट प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, देखो हज़ार्ड लाइट की प्रॉपर स्विच दी गई है, इनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो चुकी है। फ्रंट में USD शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं। और हाँ, थोड़ा सा इसका वेट भी इंक्रीज़ हो चुका है 2-3 किलो से। और एक चीज़ आपको बताऊँ, USD होने की वजह से थोड़ा सा इसमें मुझे लगा कि भाई कॉर्नर में ज़्यादा स्टेबल है ये, और हैंडलिंग में भी आपके हेल्प करते हैं इसके गोल्डन USD। बाकी इसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, ये है प्रो मॉडल जो मैं अभी चला रहा हूँ, स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिलता है, तो भैया आप चाहो तो स्प्लिट सीट ऑप्ट कर लो, या फिर आप चाहो तो सिंगल सीट में भी रह सकते हो। इसके नीचे आता है इनका कनेक्टेड मॉडल, फिर आता है स्टैंडर्ड मॉडल। जो प्रो मॉडल है जो मैं भी राइड कर रहा हूँ उसकी एक्चुअल प्राइसिंग है 1,36,800 रुपये, फिर आता है जो मिड वेरिएंट कनेक्टेड 1,32,500 रुपये, फिर आता है बेस मॉडल जो कि है स्टैंडर्ड, वो है 1,27,300 रुपये। सर मैं आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट भी सुना देता हूँ, तो एग्जॉस्ट जाना तो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, बाकी मैंने यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। बाकी यार इसको मैं अपाचे 164V से भी कंपेयर करूँगा, और इसी के साथ इसको मैं NS160 से भी कंपेयर करूँगा, क्योंकि भाई यही दोनों इसके सबसे बड़े राइवल्स हैं। और हाँ, इसमें फुली LED हेडलाइट देखने को मिलती है भाई, तो जो LED हेडलाइट है उसकी वजह से आपको रात में अच्छा इल्यूमिनेशन भी मिलता है, और रात का जो LED का जो व्यू है ना वो भी आपको अच्छा खासा इसमें मिल जाता है देखने को। बाकी माइलेज का भी आप पूछो अगर, तो भाई 160cc की मोटरसाइकिल है तो आपको ईजिली 40 के आसपास का माइलेज निकाल के दे देगी, माइलेज में बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। सीट कंफर्ट अच्छा है, अच्छा खासा मुझे स्पेस भी मिलता है सीट में, तो मैं आगे पीछे भी हो सकता हूँ। पिलियन सीट में भी अच्छा स्पेस है, बट अगेन पिलियन सीट में ऑप्शन है भैया, अगर आपको स्प्लिट सीट थोड़ी सी ऊँची लग रही है तो फिर आप सिंगल पीस वाली ले सकते हो, तो फैमिली के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी। बाकी आपको स्पोर्टी ही पॉस्चर चाहिए तो भैया स्प्लिट सीट ले लो, वो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बस यही है, कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो। क्विकली मैं आपको एक एक करके सारे अपडेट इसका दिखा देता हूँ। पहला सबसे मेजर अपडेट यहाँ पे देख सकते हो, गोल्डन USD आ चुके हैं। इसी के साथ थोड़ा सा ना यहाँ पे भी चेंजेस हुआ है, जिसका पूरा हेडलाइट का जो यूनिट है इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी बना दिया गया। ये आप इसकी पूरी डिज़ाइन देख सकते हो, ऑल LED हेडलाइट्स हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। टायर प्रोफाइलिंग आप देख सकते हो, 4V की बैजिंग आपको देखने को मिलती है क्योंकि न्यू इंजन है 4V के साथ। ये है इसका ऑयल कूलर, ये वाला जो पार्ट है इसको भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन करा गया है अगर आपको समझ आ रहा हो तो। बाकी ग्राफिक स्टिकर्स कम्प्लीटली नए हैं, एक्सट्रीम की बैजिंग, हीरो की बैजिंग, 160R की बैजिंग, ऑयल कूलिंग, ये यहाँ पे हीरो का स्टिकर है। एक चीज़ और आप नोटिस करो कि भैया इसकी सीट है ना अभी स्प्लिट सीट इसमें आ चुका है। और देखो स्प्लिट सीट ऐसा है कि आप चाहो तो ऑप्शन में सिंगल पीस वाली सीट भी ले सकते हो, या आपके ऊपर है पूरा। बाकी LED इंडिकेटर पहले से ही हमें देखने को मिलते थे, तो इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। स्विच गियर्स भी थोड़े अच्छे हो चुके हैं, इनकी क्वालिटी, फिट एंड फिनिश काफ़ी बेहतर होगी। मैं आपको बताऊँ अभी ना इसमें फिट एंड फिनिश भी इंप्रूव मुझे लग रही है। E20 रेडी है, E20 की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ये है इसका इन्वर्टेड LCD क्लस्टर, ये आप चेक कर सकते हो। पीछे 7-way एडजस्टेबल मोनोशॉक दिए गए हैं।